और यहाँ से हमारे सलमान भाई की एंट्री हुई थी जब वो लड़ने आते हैं अपनी यशोदा को ले जाने के लिए। तो इसी गेट से घोड़े के साथ एंटर मारते हैं। ये देखिए, ये है वो गेट, आप ये देख सकते हैं। तो देखो यहाँ से सिपाही आए थे लड़ाई लड़ने, लड़ते वीर पिक्चर के अंदर, और यहाँ पे रियल में भी लड़ाई होती थी, रियल भी लड़ाई हुई है यहाँ पे और रील भी में ही लड़ाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम लोग आए हैं आमेर, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले मैंने नीचे का दिखाया था, अब मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर का, जो कि सामने बिल्कुल दिख रहा है आपके आमेर। और मैंने बोला था कि आपको वीर की शूटिंग नहीं आई हुई थी, तो आपको मैं लेके चलता हूँ जहाँ पे वीर की शूटिंग हुई थी। तो चलते हैं अपन, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अब अपन चलते हैं, बातें चल रही है वहाँ की चैटिंग पे। और ये है हमारा सामने आमेर, आप देख सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं आमेर, आप देख सकते हैं हम एंटर हो गए हैं, और यहाँ पे कबूतर को दाना डालते हैं। ये देख सकते हो आप कितने सारे कबूतर हैं यहाँ पे, जुआर वगैरह डालते हैं लोग बाग आते हैं। तो हमारे बावा हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे पहले बिजली गिरी थी, यहाँ पर कुछ लोग मर गए थे। और ये है हमारा आमेर, हम लोग अंदर हो चुके हैं एंटर। ये हुआ है, पहले तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था, आप देख सकते हो आप आमेर ये पूरा देखिए। आपको मैं यहाँ से नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार आमेर का। वैसे यहाँ पर आने के लिए मना करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, चिल्लाते हैं यहाँ पे गार्ड, इधर आने नहीं देते चाहिए पे। आप देखो बिल्कुल शानदार है। तो गाइस अभी अपन ऊपर भी चलेंगे, ऊपर मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। और अभी देख सकते हैं आप कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर नज़ारा, बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही है यार। तो दोस्तों आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर वो गाना हुआ था वीर फिल्म में, पवन उड़ा दे बतिया, यही है शायद नाम, तो वो इसी एंगल में होता है। ये देखिए जगह वही है जहाँ पर वो गाना शूट हुआ था। बनाने के लिए कंगन भी करते हैं लोग वहाँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ की बावड़ी बनी हुई है, यहाँ पे पानी भी आता है, पहले आता था पानी यहाँ पर, अब जब से मैं पैदा हुआ हूँ जब से मैंने पानी नहीं देखा यहाँ पे। 24 साल पहले तो मैं हुआ था, तो यहाँ पे पानी नहीं हुआ। और ये देखिए टूरिस्ट वगैरह ये सब भी आते हैं, टूरिस्ट ये देख सकते हैं आप लोग। और ये पता नहीं कौन सा फ़ोन निकाल ली है, क्या कर रही है ये देख सकते हैं आप। और अच्छा फ़ोटो क्लिक कर रही है। और ये देखिए ये सब, ये हमारे जो यहाँ के राजा थे सवाई मान सिंह, ये उन्हों का ही है भाई, बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ का आमेर बनाया था। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर, हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। बाबा ऊपर आओ ना। हम लोग पहले बचपन में यहाँ पे फैमिली के साथ आमेर आया करते थे, लेकिन यार अब बड़ा होगा तो खुद पैदल पैदल चल के गाड़ियों पर आ जाते हैं। ये पहले मैंने नीचे का आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ से टूरिस्ट गाड़ी पूरा घुमाती है आमेर ऊपर का, ये जो भी अंग्रेज लोग आते हैं सबको दिखाती है। और मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ा है। और वो देखिए, हम लोग एक पूरी ज़िंदगी में एक बार गए हम बस वहाँ पे, क्योंकि वो 300 सीढ़ियाँ हैं पूरी, हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको नीचे का दिखाया था, तो ये है नीचे का, ये देख सकते हैं कैसे लोग बाग यहाँ पर बैठे हुए हैं। महफिल ज़्यादा नहीं है आज ऊपर, ज़्यादा महफिल। ये देखिए ये बाथरूम वगैरह है नया, पहले बाथरूम नहीं था, अब यहाँ पे शौचालय सब कुछ बना दिया। ये कैंटीन भी यहाँ पर बना दी, पहले नहीं थी यहाँ पे, कैंटीन भी बन गई है यहाँ पे अच्छी खासी। ये देखो राजस्थानी सामान मिलता है यहाँ पे, पधारो मारे देश, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान मिलता है। देखो ये देखो दोस्तों, हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे हर चीज मिलती है। देखो भैया, जो भी आपको यहाँ से सामान चाहिए सब मिल जाएगा। वो देख कैसे चिल्ला रहे अपने दोस्त। अरे
ऊपर चढ़ना पड़ेगा दोस्तों, काल हो जाते हैं आते आते यार, जब भी आता हूँ यहाँ से काल हो जाता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। ये देखिए हरियाली कितनी मस्त हरियाली हो रही है, देखिए आप। पहले इधर पानी था, पानी नहीं है यहाँ पे, पानी खत्म। बाबा पहले पानी था ना यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे सकरात मनाई थी, तुम्हें याद है? इधर हमने सकरात मनाई थी भाई पहले। देख लो सब कुछ आइटम है, 100-100 रुपए का आइटम है, 100-100 रुपए का आइटम। बहुत थकान हो गई दोस्तों, फुल थक गया यार। अभी भी और ऊपर चलना बाकी है। बाबा जाने का गया अपने। ये रे यार, ये तीनों यही खड़े हुए, मिल गया यार, इनको भी वोट ढूंढना था यार। लाओ ऊपर छत पे चले, वीर फिल्म की शूटिंग दिखाऊंगा तुम्हारे को, आ जाओ। ये देखो भाई, ये कठपुतली का डांस भी होता है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली पंखे भी चलते हैं। कितने कितने के भाई सब? ये सब आइटम, सब आइटम। ये देखिए राजा महाराजाओं की, ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे आपको। ये देखिए बहुत मस्त आइटम, ये भोपाला, ओहो ये बांसुरी भी है, सब मिल जाएगी आपको यहाँ पे। कितना अच्छा बजाता है संगम। हाँ ऊपर दिखाता हूँ मैं और आपको, ये देखिए नज़ारा। बाबा ऊपर के दूंगा फोटो सारे, आ जाओ। ये लाल परी क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। ये देखिए दोस्तों, वाली कार है भाई। थकान हो रही है यार, बहुत ऊपर है यार। कितनी सीढ़ी होगी अपने गाँव में, कितनी सीढ़ी होगी, कितनी है? आज इतना बुरा नहीं, आज महफिल नहीं है ज़्यादा, आज अलम देखने जा रहे होंगे सब। इतना बुरा क्यों लग रहा है उस्मान भाई, बताओगे क्या कुछ है? ये सब आपको ही बुरा लग रहा है क्या यार? अच्छा लग रहा है मैं भाई। इसको क्यों बुरा लग रहा है? पसीना आ गया है वीडियो बनाने से पहले, अभी 2-4 वीडियो बनानी है उससे पहले पसीना आ गया है। खुफिया रास्ता ही है यहाँ से, पहले महाराजाओं के सिपाहियाँ हैं ना, खुफिया रास्तों में से जाते थे जब लड़ाई हो जाती थी इधर से उधर से। ये देखो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे बिजली गिरी थी और यहाँ पे बहुत सारे लोग मर चुके थे। ये पूरी 300-400 सीढ़ियाँ हैं यार, जाग आ गए थे हमारे भी चढ़ने में एक बार तो। चलो तुम्हें ऊपर का लेके चलता हूँ मैं अब, और चले ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगर आपने आमेर आकर ये नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। ये देखिए चाचा की, बहुत अच्छा गुंजी लेते हैं यहाँ से, और यहाँ की गुंजी बहुत फेमस है। और ये मंदिर है यहाँ पे, भैरव जी का मंदिर है, यहाँ पे लोग आते हैं और गुंजी चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं। ये रे और उन भैया ने जो संगीत गाया, बहुत अच्छा गाया यार, मज़ा आ गया। ये जवान देखो कितने सुस्ती हैं, ढीले, इतना सुस्तीपन से आ रही हैं, इनकी जवानी अभी से ही गुल हो गई 17-18 की उम्र में ही। क्या होगा आगे जाके आखिरत का? मैंने बोला था हम लोग ऊपर आएंगे तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ से सलमान खान की एंट्री हुई थी वीर फिल्म में, और यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। ये देखिए ये पूरा ग्राउंड था, और यहाँ से सलमान खान भागता हुआ आता है, और उस जगह से वो अंग्रेज गोरा वो भागता हुआ आता है इस जगह से, और इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी
वो 2009 साल पे 2009 में ये पेड़ वेड़ कुछ नहीं थे, पूरा खुला मैदान था। अब ये बहुत अच्छा हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा। ये यहाँ पर पूरी पब्लिक बैठी हुई थी उस टाइम पे। ये देखिए भीड़ कितनी है। और ये राजा महाराजाओं का महल है, ऊपर ये देख सकते हैं आप। ये ऊपर महल की भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा फिर कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। और यहाँ से हमारे सलमान भाई की एंट्री हुई थी, जब वो लड़ने आते हैं अपनी यशोदा को ले जाने के लिए, तो इसी गेट से घोड़े के साथ एंटर मारते हैं। ये देखिए ये है वो गेट, आप ये देख सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये ऊपर जाने का है। यहाँ पर लोग ऊपर भी जाते हैं कैसे छत ऊपर नहीं मर जाते नहीं है, मरते तो नहीं है। ये भी मंदिर है यहाँ पे एक। ये कैंटीन है, यहाँ पर तो बहुत ठंड है यार, हवा चल रही है मस्त। हाय हाय, ये देखिए गाइस, ये लास्ट नज़ारा है, आपको आमेर का दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। तो दोस्तों, जब पिक्चर का एंड हो रहा होता है, जब फाइट होती है वीर फिल्म के अंदर, तो यहाँ से वो सैनिक भागते हुए आते हैं फिरंगी, और यहाँ पर सलमान खान सबको एक एक करके मार देता है। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी पार्क हो रही है। यहाँ पर यहाँ से पूरे सैनिक भागते हैं मारने के लिए, और यहाँ से सारे पिंडारी जो होते हैं वो फिरंगियों का खात्मा कर देते हैं अंदर गेट के अंदर घुस के, और फिर वार कर देते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। दोस्तों, अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं वापस से। ऊपर का मैंने आपको दिखा दिया, अब कुछ दिखाने लायक है नहीं जो दिखाना था सब दिखा दिया। बहुत बड़ा है, पूरे 10 दिन लग जाएंगे अगर आप पूरा घूमोगे तो आमिर, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा नज़ारा दिखा दिया। तो दोस्तों, आपको आमिर कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ज़रूर बताना कि आपको आमिर शेयर लगा कैसा। तक के लिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बाय। ये देखिए फॉरनर भी आए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए है।